हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते कि सब ठीक होंगे और आपकी दुआ से हम भी ठीक हैं। हम भी ठीक है। टाइम हो रहा है यहाँ पे डेढ़ बज रहा है और हमें नींद क्यों नहीं आई, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। क्यों नहीं नींद आई, और वो काफी देर से मैं सोच रहा था, क्योंकि आज मैं गया हुआ था दोपहर में सोनिया और गोपाल के घर पे। सोनिया गोपाल के घर पे गया हुआ हाँ। था मैं। तो आज हम बात करेंगे सोनिया गोपाल के ऊपर। हाँ, तो सोनिया गोपाल के ऊपर बात करेंगे आज। जो हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों को तो पता चल ही गया है क्या मसला मसाइल चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। काफ़ी ज़्यादा वो परेशान थे अभी भी मेरी। मैं गया था आज 3 बजे के, मैं गया था तकरीबन 1-1.5 बजे निकला था और 3 बजे मैं सुबह वहां पे नाश्ता करने था। के बाद, मतलब फ़ौरन ही चले गए थे ना, हाँ, 1-2 बजे, है ना, मैं गया था किसी काम से। तो उन काम लोगों ने चले कल थे। से बोला हुआ था कि हमारा इंटरव्यू है, इंटरव्यू इंटरव्यू हाँ, है। काफ़ी टाइम तो से, वैसे 1 हफ्ता पहले भी मैंने ये बात सुनी थी इंटरव्यू की। गोपाल कह रहा था कि हमने जाना है पर मूड नहीं हो रहा जाने बोला का। मूड नहीं है जाने का, तो मतलब मैंने होता ही जाना जैसे है। इंसान का नहीं भी दिल करता कभी, मतलब बाय चांस होता है कि नहीं भी इंसान का होता है कि जाने का, लेकिन फिर भी वो ऐसे नहीं है कि मतलब किसी का दिल नहीं दुखाते, जब जहाँ तक हम उनको जानते हैं, क्योंकि वो हमारे अच्छे दोस्त हैं, हमारे रिलेटिव भी हैं वो। हम काफ़ी टाइम से 2 साल से हम मतलब ज्वाइंट है, ज़्यादा ये यूट्यूब मतलब की वजह YouTube से से भी। वैसे तो थे, मतलब वैसे तो YouTube से। थे, वैसे तो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे अच्छे दोस्त भी हैं, हम आपस में अच्छे तरीके से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर भी मतलब आज वो ये गया है 3 बजे, ठीक है। मैं तो खैर नहीं गई थी, आपको पता है मैं इतना लंबा ट्रैवल नहीं कर सकती, इतना ज़्यादा सफ़र नहीं कर सकती, तो इसलिए मैं नहीं गई थी। सब कुछ अच्छा जा रहा था, मैं कह रही थी क्या हुआ है वहाँ, क्या किया आप लोगों ने, क्या नहीं किया। कह रहा था सोनिया और गोपाल बहुत ज़्यादा खुश थे, आज वो गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वो तो खुशी खुशी गए थे। अपनी तरफ से तो उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, जो उनको बुलाता है वो रिप्लाई भी देते हैं, सबसे बात भी करते हैं, जितना मतलब इंसान से हो सकता है। चले जी, बात आ जाती है यहाँ पे। जो आज उनको बुला के वहां पे 4-5 कैमरे उनके ऊपर लगा दिए, मतलब ब्लैकमेल किया गया है आज उनको, सोनिया और गोपाल को। इतने इंटरव्यू है, कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको इतना ज्यादा ब्लैकमेल किया गया है, सोनिया को और उनको गोपाल को। गोपाल को कॉल आ रही थी 1 हफ्ते से। एक आदमी फोन कर रहा था कि हम इस चैनल से हैं, तो आप लोग आए आए, हमें हम इंटरव्यू इंटरव्यू दें, देना है। ठीक है। उसने बोला कि मतलब मैंने नहीं जाना। फिर उनकी जो एंकर थी उसने कॉल करना सोनिया को, और सोनिया का नंबर जिसने दिया है वो हमें पता है, उसको सोनिया का और नंबर सारी बात, दिया। मतलब जो शुरुआत है ना, वो हमारा मतलब अटैचमेंट है उनके साथ, और क्या है क्या नहीं है, जो जिस लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है ना, वो हमारे ही इवेंट में आई थी। जिस लड़की के बारे में जिक्र हो रहा है वो आई थी हमारी बर्थडे पे, क्योंकि हम कर लेते हैं सबको इनवाइट अपनी तरफ से कि आ जाओ सब, आप हम वीडियो तो बनवा सबकी लो। सपोर्ट ही करते हैं ना, तो हमारे प्रोग्राम पे आई थी, हमारे मतलब एलएनएस की, और मेरा बर्थडे था लास्ट जो गुजरा है, ठीक है, ये जो भी गुजरा है ना, इससे पहले वाला जो प्रोग्राम था ना, उस पे वो लड़की आई थी, वो खुद ही उसके आगे पीछे घूम रही थी। मतलब मैं हकीकत वो बात बता रही आई, हूँ, उसने बोला कि भाई जो ना मुझे वो कर दो, कैसे करना प्रमोशन कर है, दो, मेरी प्रमोशन कर दो। प्रमोशन कर दो, तो मेरी मैं भी कर एक दो। लड़की हूँ, मैं मतलब वो नहीं करूंगी इतना ज्यादा, मतलब जैसे आप लोग शायद बोल रहे हो कि मैं उसकी साइड ले रही हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जो हकीकत है वो आपको बता रही हूँ। जो ताली है ना एक हाथ एक से हाथ नहीं से नहीं बजती। बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर गोपाल की बात उस लड़की से थी ना, अगर वो लड़की बात करती थी तो वो करता था ना, ये बात है। और सिर्फ मोबाइल की हद तक उनकी बात थी, आज तक उनकी कोई मुलाकात वगैरह नहीं हुई। तो एक टाइम मतलब उनकी बात चली है, तो सोनिया ने हमसे मतलब शेयर किया कि ऐसी ऐसी बात है, मतलब गोपाल किसी लड़की से बात करता है खाली दोस्त दोस्त के लिहाज से। तो ये बात सोनिया ने भी बोली, आजकल मतलब कोई किसी का दोस्त नहीं है, ये बात तो हकीकत है। आजकल दोस्ती में लड़के लड़की की दोस्ती आपको पता है मतलब नहीं चलती, तो फिर भी मतलब वो उसे बात किया करता था, वो भी उससे बात करती थी। अभी वो साफ हो गई है बिल्कुल, वो कहती है और मैं तो कुछ भी ये नहीं है है। जी वो लड़की, मैं दिखा देता हूँ आप लोग को। ये है वो लड़की, ये देखें, ये है वो लड़की, ठीक है। तो ये जो है ना हमारे इवेंट पे आई थी, और मैंने अभी देखा है कि ये वही वही लड़की ये है। वही लड़की है। हाँ, हाँ, हमारे इवेंट पे भी आई थी ये। मतलब जाहिर सी बात है, जब सोनिया गोपाल आता है तो सारे आगे पीछे घूमते हैं, ये भी आप लोगों का प्यार है, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मतलब पता नहीं किस चीज़ का उसने बदला लिया, ये समझ में नहीं आया। अगर एक ये इंसान के साथ, महीने 8 अगस्त में, अगस्त में अगस्त ना, में नहीं थी, सितंबर में, नामे हाँ महीने में बर्थडे थी, हाँ नामे महीने में बर्थडे थी। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 5 महीने, 5 महीने हो गए इस बात को। तो ये बात खत्म पांच हुई को महीने तकरीबन कितने, 4 या 5, 4 महीने हो गए होंगे, हैं 5 महीने से उसने दिल में बात रखी। उसने जाके एंकरों से बात की, न्यूज़ वालों से बात की कि मेरे साथ ये हुआ है, वो हुआ है। अगर
उसने भी चैट की थी, मैंने गोपाल के मोबाइल में देखी, उसने भी चैट की और मतलब अपनी उसने चैट उस साथ साथ लड़की डिलीट ने की। उस लड़की ने अगर मतलब गोपाल के मैसेज दिखाए तो अपने क्यों नहीं दिखाए, अपने भी तो दिखाती ना, इतनी लंबी उसने बातचीत दिखाई, ये बताई ये कि मैं ये हूं मैं वो हूं, उसने पिक्चर्स वगैरह जो अभी मतलब इन दोनों के बीच में बात देखो थी। एक के एक, इसमें एक बंदे का काम नहीं है, ताली दोनों हाथों से बजती है। चले जी, खैर हम यही बात पे करते हैं एंड, क्योंकि जो होना था सो हो गया। और आज जो है ना बहुत, अगर आप लोग इस तो मोड़ पे आप लोग हैं तो मतलब उनका तो माइंड नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन आप लोग उनको सपोर्ट करें ठीक है, क्योंकि सबसे पहले वो है उसके बाद हम लोग उनके पीछे हैं ठीक है, वीडियो बनाने के लिए। मतलब जैसे लोगों को उन्होंने बोला है कि नहीं हम आज के बाद वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनका दिल इतना ज़्यादा टूट गया ना, आज तक उन्होंने कभी किसी का दिल तोड़ा है, जो भी बुलाता है वो चले जाते हैं, सबको जवाब देते हैं, इवेंट वगैरह करते हैं, सबको बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बीच में होते हैं, जैसे ये लड़की आई बीच में, इन्होंने मतलब ये न्यूज़ वाले आए, इन्होंने ब्लैकमेल करके मतलब वहां पे इतना ज्यादा उनको वो किया, परेशान किया और सॉरी भी मंगवाई बुलवाई ठीक चलो है। सॉरी बोल दी उसने, चलो बात हो गई खत्म। ठीक है, अभी ये कहने का मतलब है कि आइंदा आइंदा अगर कोई उनसे रابطہ करे या बात करे तो ये सोच लीजिए, बाद में नहीं बोले कि हमारे साथ ये हो गया वो हो गया। बस यही बात क्लियर करनी थी आप लोगों से। हजारों लोग हैं मतलब ऐसे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे इंसान है, गलती तो इंसान से हो ही जाती है, अगर वो बातों में आ ही गया था, अगर वो बात करता था तो बात लड़की भी करती थी उससे। हाँ लड़की भी करती हाँ तो थी। यही कह रहे कि ताली एक हाथ से नहीं देखो बजती। अगर लड़का लड़की को छेड़ता है तो लड़की आगे से अगर उसको कुछ बोल देगी गलत या बदतमीज से, लड़का कभी भी नहीं और उसको इस इतना बात का भी बोलेगा। इतना इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी ना कोई मुलाकात हुई है ना ये मिले हैं एक दूसरे पे, मतलब मिले ही नहीं है, मुलाकात हमारी बर्थडे पे ही हुई थी, मतलब मुलाकात सबके बर्थडे पे साथ, हुई थी जैसे सब लोग आए थे, जैसे सबसे मुलाकात वगैरह तो होती तो आप इस तरह वीडियो से। कंटिन्यू रखें, कोई नहीं हम आपके साथ हैं, इतनी ऑडियंस आपके साथ है। हाँ तो ठीक सोनिया है, गोपाल के साथ चलो हम लोग हैं, वो हमारे रिलेटिव हैं, हमारे दोस्त हैं, हम कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ सकते, जैसे वॉच करते थे उनके वीडियो वैसे ही रेगुलर वॉच करेंगे, और आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार दें। अभी वो इस टाइम बहुत ही ज़्यादा परेशान है, जाहिर सी बात है, एक न्यूज़ वालों ने इतनी खुशी खुशी उनको घर से बुला, कितना खुश थे वो लोग, उनकी टिकटॉक भी शायद आप लोगों ने देखी होगी, आज मैं गया था तो अभी। इतना ज़्यादा खुश थे, और काफ़ी टाइम हो गया हम लोग इंतजार करें, मैंने कहा अभी तक इनका मतलब इंटरव्यू नहीं आया, मैं बार बार पूछ रही, मैंने कहा अभी तक वीडियो नहीं अपलोड हुई, तो जब हमने फ़ोन किया 9-10 बजे, कह रहे ऐसी ऐसी बात होगी, तो बड़ा हमें दुख भी हुआ कि कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, मतलब उनका मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था वहाँ पे, खुश थे, तो लास्ट टाइम पे वो लड़की एकदम से आके खड़ी होगी, मतलब उन लोगों ने प्लानिंग की वो हुई सारा थी, प्लान होता है ना, तो एकदम से कोई न्यूज़ वाला किसी के इंटरव्यू के अंदर अंदर किसी को नहीं आने आ सकता, देगा? जाहिर सी बात है जब पर्सनल हमारा घर है, अगर हम जैसे फोन पे किसी से बात करते हैं, हम उनको बताएंगे एड्रेस तो ही हमारे घर आएगा ना, ऐसे ऐसे तो नहीं आ जाएगा ना, तो वैसे ही उन लोगों का एक प्लान था, उन्होंने काफी ब्लैकमेल उनको किया, फिर गोपाल को बोला कि लड़की से सॉरी मांगो, तो खैर सॉरी तो उसने बोल दिया, लेकिन फिर भी गलत है। कौन जो है ना अपने चैनल पे उसने सबसे माफी मांगी है, तो प्लीज आप लोग सब जो है ना उसको माफ तो कर बाकी रही दीजिएगा। बात गलती खताओं की, गलती खताएं सबसे होती है, वो भी एक लड़का है, कोई बात नहीं, अगर उसे गलती हो भी गई है, वो भी मोबाइल की हद तक, वो ना कभी उसे मिला है, उस मुलाकात उनकी हुई नहीं है, खाली बर्थडे पे मुलाकात तो हुई आप थी। लोग उनको जो है ना गोपाल को माफ कर दीजिएगा, मैं तो यही बोलूंगा। ठीक है, और दिल में कोई बात नहीं रखना, लास्ट लास्ट में मैं यही आप क्योंकि लोगों से बोलूंगा। हाँ ठीक है, तो आप दिल में कोई बात नहीं रखिएगा और आप लोग जाके उनको थोड़ा सा हिम्मत दें, हौसला दें और वो कंटिन्यू अपना काम करते रहें, हाँ कंटिन्यू और अपना नेक्स्ट काम टाइम आगे से करें ख्याल रखेंगे कोई ऐसा कोई काम कोई गलती ना नहीं होगी, हो, और वो दोनों मियाँ बीवी खुश रहें खुश रहें, अपने हमेशा लाइफ खुश के रहें, अंदर। हमारी हमारी दुआ है। वीडियो देखने के बाद लोग जो है ना कमेंट्स की बरसात करेंगे कि हाँ वो पता नहीं क्या है, वो है ये है वो है ऐसा बस था, प्लीज आप बैड कमेंट्स मत करिएगा, वो मुझे आप पता करेंगे लोग, वो जो हेटर होते हैं ना वो जरूर करेंगे, इतना मुझे पता है। और जो चाहने वाले हैं वो हौसला और देने वाले बाकी हमारी बात का हौसला भी माइंड भी ना करेंगे। करना, क्योंकि हम लोग हकीकत यही बता रहे कि वो लड़की हमारी बर्थडे पे आई थी, मुलाकात इनकी इस तरह से हुई थी, और उसके बाद फोन पे वो लड़की भी बात करती थी और ये भी करता था, जो भी पर्सनल मामले हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन ये मामला शो हो गया है बाहर, तो इसलिए हम लोगों ने आपके साथ भी शेयर जब किया बात है होती है घर पे तो घर का घर मामला पे। है, और ये हाँ सोशल मीडिया है, फिर इस पे बात आ अब जाती है उस बाहर तो लड़की फिर ने खुद शो करवाया है, तो जब भी हम लोग बता रहे हैं आपको, और गोपाल ने भी एक्सेप्ट किया है और उसने माफी भी मांगी है, तो बाकी ये कि उनको अब करना माफ ठीक है, गोपाल से जो भी गलती खता हुई है सिर्फ बात की हद तक हुई है, और ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, और सिर्फ वो फोन दोनों में एक दूसरे से बहुत प्यार बहुत करते प्यार हैं, करते खुश हैं वो हैं। दोनों, वो अपनी बीवी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है, और ऐसा बिल्कुल नहीं है ना वो कभी से छोड़ के जा पांच सकता छह है। महीने बाद पुरानी आज उसने खोल दी, उसने मतलब पीछे हाँ पीछे घूम रही थी, वो यानी लोगों कि के वो पीछे प्लान घूम कर रही रही थी, थी, काफी टाइम से प्लान प्लान कर कर रही रही है, थी, 5 महीने से प्लान कर रही है और प्लान उसका आज हो गया कामयाब, क्योंकि उसके घर पे तो जा बहुत नहीं बड़ी सकते बात है। थे। मैं कहती कोई किसी के घर से उसको धोखे से पता नहीं कैसे ले जाता, इतनी खुशी खुशी,
बाकी गलत था जो भी था, जो भी बात थी आप रसमी तौर पे फोन पे भी कर सकती थी, कुछ भी कह देती आप फोन पे, गाली गलौज करती कुछ भी, लेकिन ये इस तरह से नहीं करना चाहिए था आपको, बहुत गलत किया आपने इसमें। वो तो लड़का है, वो तो फिर दोबारा अपनी इज्जत बना लेगा, लेकिन एक लड़की की इज्जत बहुत बड़ी बात होती है। चले जी, यहाँ पे बात करने का यही थी बात कि हमने जो है ना मतलब उनकी स्टोरी बताई, आप लोगों के साथ शेयर की है, तो आप लोग उनको दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोग जो है ना मतलब ज़्यादा प्यार देंगे तो आपके लिए भी लोग अच्छे अच्छे वो बनाते रहेंगे इंशाल्लाह। और कोई ऐसा मसला नहीं है, माफ़ी उसने मांग ली, सॉरी बोल दिया है, और उसने अपनी वीडियो के अंदर बोला है, ऑन कैमरे में भी बोला है वहाँ पे कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई, मेरी बहन मेरी सिस्टर जो भी था ए टू जेड वो खत्म हो गई, ठीक है। आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और उनके चैनल को और हमारे चैनल को करिएगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब, लाइक। लाइक, शेयर, और उनको बहुत सारा प्यार देना है, और आपने बिल्कुल भी बैड कमेंट्स नहीं करने, तो वही बात आ जाती है कि गलती दोनों से हुई है, ठीक है, एक से नहीं हुई, दोनों से हुई है। तो प्लीज़ इस बात को माइंड अप करें और उनको बहुत सारा प्यार दें, उनको सपोर्ट करें और हौसला दें, और गलतियां तो सबसे होती है, कोई बड़ी बात नहीं चले है। जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुबह मॉर्निंग के साथ, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।